हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ फ्री फायर में आने वाले कुछ न्यू इवेंट्स और हमारे लेजेंडरी बंडल और साथ साथ कुछ न्यू आइटम्स के बारे में। तो यार, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है गेम के अंदर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ न्यू इवेंट्स के बारे में। तो यार, अभी हमें मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट इवेंट देखने को मिलने वाला है वो होने वाला हमारा फिस्ट की स्किन का। मतलब हाँ, लेजेंडरी बंडल भी आने वाला है, बट मैं वेब इवेंट की बात करने वाला हूँ। तो यार, फिस्ट की स्किन हमें देखने को मिलने वाली है गेम के अंदर जल्द ही। बहुत सारे सर्वर्स में तो ऑलरेडी आ चुकी है और गाइस वही स्पिन वाले इवेंट में आइए, देख सकते हो आप लोग। इसमें आपको स्पिन मारना रहेगा और इसमें फिस्ट की स्किन के साथ साथ अलग कुछ और हमारे कोबरा काई से रिलेटेड ही रिवॉर्ड्स होंगे। माइट पॉसिबल कि ग्लोबल इसमें दे दी जाए, क्योंकि टॉप अप रिवॉर्ड में तो दी नहीं गरीना वालों ने, तो ग्लोबल अभी भी बची हुई है। और थोड़े बहुत शायद हो सकता है कि डायमंड के रिवॉर्ड भी हमें देखने को मिल जाए, जो इसमें दिख रहा है इतने डायमंड तो बिल्कुल नहीं होंगे, इंडियन सर्वर में तो कभी नहीं देगा गरीना। बट माइट पॉसिबल है कि फिस्ट की स्किन और उसी के साथ साथ हमें ग्लो वॉल एक ही इवेंट में देखने को मिल जाए। तो बहुत टाइम से फिस्ट की स्किन का आने का चल रहा था, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। बट अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट हमें वेब इवेंट देखने को मिलेगा ना, वो फिस्ट की स्किन का ही देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल फिस्ट की स्किन तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ऑसम है। मुझे तो डेफिनेटली चाहिए ये स्किन, बट आई डोंट थिंक सो कि ये स्किन वाले इवेंट में मैं निकाल पाऊंगा। एंड गाइस, कल से हमें हमारे रैंक टोकन में एक न्यू रिवॉर्ड अवेलेबल हो जाएगा रैंक टोकन के एक्सचेंज में, और वो होगी M82B की स्किन। गाइस देख सकते हो, ये होने वाली हमारी M82B की स्किन। और वैसे एट्रीब्यूट्स तो कुछ भी नहीं होंगे इसके, बस लुक वाइज ही आप देख सकते हो अच्छी है, दिखने के ठीक ठाक सी है। फ्री के हिसाब से एट्रीब्यूट्स तो होंगे नहीं, तो ज़्यादा कुछ बताने से मतलब नहीं है। तो आप खरीदना मत बोलना, रैंक टोकन से आप एक्सचेंज कर पाओगे अपने रैंक स्टोर में से। तो यार, ये सिर्फ शायद से इसी सीजन के लिए ही रहेगी, जैसे ही ये रैंक सीजन खत्म हो जाएगा वैसे ही ये स्किन भी यहाँ से हट जाएगी। तो यार, बिल्कुल भूल मत जाना ये स्किन एक्सचेंज करना, अदरवाइज हो सकता है कि ये स्टोर में से हट जाए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में। तो यार, वेपन रॉयल के लेके बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आ रही है। तो गाइस, अब आ रही है सामने M10 की स्किन, जो कि हमारी बेस्ड होने वाली है अटैक ऑन टाइटन ही है ना, तो अटैक ऑन टाइटन की थीम पे। एंड गाइस देख सकते हो, ये है हमारी M10 की स्किन। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं ना, वो डबल डैमेज, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन और मैगजीन माइनस होगी। और वैसे तो कंफर्म नहीं है गाइस कि ये वेपन रॉयल में आएगी कि नहीं आएगी, बट अभी जो रिसेंट लीक्स आए ना, उस हिसाब से ये वेपन रॉयल में आनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ 15 या 16 दिन बचे हैं वेपन रॉयल अपडेट होने में। मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम कर दिया वेपन रॉयल का। तो ये तो उस टाइम तक हमारा कोबरा काय वाला इवेंट खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि हमें अटैक ऑन टाइटन वाला कोलैबोरेशन देखने को मिल जाए इतने टाइम के बीच में, क्योंकि इसके जस्ट बाद कोबरा काय जैसे ही खत्म होगा ना, वैसे ही अटैक ऑन टाइटन का कोलैबोरेशन शुरू हो जाएगा। तो उसी की थीम के इवेंट्स और वेपन रॉयल आएंगे ऑब्वियसली। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कि हमें M10 हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल में देखने को मिल जाए। और अब बात चली रही है अटैक ऑन टाइटन की, तो गाइस देख सकते हो, ये होने वाली हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन अटैक ऑन टाइटन की। और देख सकते हो आप लोग, इसमें दोनों वो स्पेशल बंडल, या बोले तो मेन जो बंडल है ना उस सीरीज के, जो एनिमे सीरीज है, वो आ रहे हैं सामने। और लिटरली बोलो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, जो भी ये स्क्रीन है, लोडिंग स्क्रीन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगी है। बट यार, इन दी एंड सच्ची बोलो तो मुझे बंडल इतने भी ज़्यादा खास नहीं लगे हैं। तो यार, जैसे ही कोबरा काय इवेंट खत्म होगा ना, वैसे ही हमें अटैक ऑन टाइटन वाली थीम के इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे गेम के अंदर। एंड गाइस, हमारी जो कोबरा काय से रिलेटेड हमारी कोबरा MP40 हाई है ना, तो गाइस उसके लिए हमें न्यू बैनर एंड अवतार देखने को मिलेंगे, जो कि लेजेंडरी होंगे। तो गाइस देख सकते हो, ये है हमारा अवतार, और देख सकते हो कितना स्पार्कली वगैरह इफेक्ट दिया गया है, लेजेंडरी अवतार है जैसे कि मैंने आपको बताया। बट ये मिलेगा किसके अंदर, मुझे अभी तक डाउट लग रहा है। हो सकता है कि हमें लेजेंडरी बंडल के साथ देखने को मिल जाए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स में। एंड गाइस, बैनर भी देख सकते हो, बैनर पे भी आपको सेम एनिमेशन और स्पार्कली इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये अवतार और बैनर, और मुझे लगता है कि यार, ये हमें हमारे लेजेंडरी बंडल के साथ ही इवेंट में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यार लेजेंडरी बंडल जल्दी आने वाला है, और हो सकता है कि यार गरीना उसी के साथ हमें दे दें। मुझे पर्सनली ये बैनर अवतार दोनों बहुत ही अच्छे लगे हैं, अगर लेजेंडरी बंडल के साथ आता तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि बंडल निकालने का मैं ट्राई करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि यार बंडल नहीं तो अवतार और बैनर ही मिल जाए। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि लेजेंडरी बंडल हमें कैसे मिलेगा, किस इवेंट में आएगा। तो गाइस, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट गाइस, उससे पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यार, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हो, अगर इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लीक्स, अपडेट्स, इवेंट की वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेजेंडरी बंडल के साथ साथ हमें दो इमोट और कुछ स्पेशल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सर, कैसे आप ये
लेजेंडरी बंडल निकाल पाओगे किस इवेंट में आएगा, तो यार गाइस ये हमें लक रॉयल के उसमें देखने को मिलेगा। मतलब सेम जो पुराना इवेंट आया था वैसा इवेंट नहीं है, अलग इवेंट है, जिसे कि बोल सकते हैं जिसमें M1897 आई थी वन पंच मैन वाली। तो गाइस उस टाइप का ही हमारा इवेंट रहेगा। और गाइस देख सकते हो आप लोग ये होने वाला उसका इंटरफेस। आपको ये रेड कलर के जो टोकन्स दिख रहे हैं इधर, वो टोकन्स आपको कलेक्ट करने हैं इसमें स्पिन मार के। और गाइस स्पिन के जो प्राइजेस की बात करूँ तो गाइस प्राइजेस कंप्लीटली डिफरेंट होंगे हमारे इंडियन सर्वर में, सेम प्राइजेस पर अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी इधर आपको साइड में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस यही रिवॉर्ड्स की मैं बात कर रहा था कि हो सकता है कि इसके अंदर हमें कोबरा काय के जो अभी बैनर अवतार दिखाएं वो शायद से देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो कम्प्लीटली डिफरेंट प्राइजेस होंगे हमारे इंडियन सर्वर में जो इसमें दिख रहा है। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ गाइस, देख सकते हो इसमें कम्प्लीटली अलग प्राइजेस हैं और जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें भी कम्प्लीटली अलग प्राइजेस हैं। तो ये प्राइजेस इंडियन सर्वर में भी अलग रहेंगे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए हमें इंडियन सर्वर में देखने को। बाकी गाइस आप स्पिन के लिए देख सकते हो आप लोग, एक स्पिन है इसमें 19 डायमंड का और 5 स्पिन है 79 डायमंड के। तो यार ये सच्ची में इंडियन सर्वर में कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए और मोस्ट पॉसिबल है कि इससे तो ज़्यादा ही प्राइजेस होंगे। बाकी गाइस आप देख सकते हो ये बंडल आपको 5 टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे जो भी आपको अगर बंडल चाहिए तो। बाकी आप जितने जितने टोकन कलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिल जाएंगे। तो यार अगर ये सेम इवेंट में आता है ना इंडियन सर्वर में तो गाइस थोड़े से कम डायमंड में निकलने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ मेरी M1897 की, तो M1897 गाइस मुझे मिल चुकी थी करीब 600-700 डायमंड में। तो यार अगर ये बंडल भी 600-700 डायमंड में मिल जाता है तो भाई मज़ा आ जाएंगे, बट लेट्स सी, ये तो हमें इवेंट आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं डेफिनेटली कि ये बंडल निकालने का ट्राई करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी थोड़े बहुत डायमंड हो तो गाइस कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ें आई डोंट थिंक सो ये कभी रिटर्न आएगी गेम के अंदर। तो गाइस यही था हमारे इवेंट्स एंड अपडेट्स जो गेम के अंदर जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस वीडियो को ही रैप करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप बंडल निकालोगे या नहीं। सो गाइस बाय बाय।